पंजाब दे सबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी दीआं मुश्किलां वधदीआं दिखाई दे रहीआं ने। बलवंत सिंह मुल्तानी केस दे विच सबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी नूं कोर्ट दे वल्लों झटका दित्ता गिआ। मोहाली कोर्ट ने उन्हां दी अगाऊं जमानत दी अर्जी नूं खारिज कर दित्ता है अते हुण उन्हां दी गिरफ्तारी किसे वी वेले हो सकदी है। इस तों पहलां उन्हां दे कई टिकाणिआं उत्ते छापे वी मारे गए सन पर उह उस वेले नहीं मिले सन अते उन्हां नूं आरजी तौर ते जमानत मिल चुकी सी, पर हुण कोर्ट ने उन्हां दी जमानत अर्जी खारिज कर दित्ती है, जिस तों बाद सुमेर सिंह सैनी ते गिरफ्तारी दी तलवार लट चुकी है। देखो साडा काम उहदे खिलाफ लड़ना है, असीं लड़ रहे हां, असीं सच्चाई लई लड़ रहे हां। जे सुमेर सिंह सैनी ने पाप कीते उहदी सज़ा दिवाउणी है, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। SIT ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ SIT ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ SIT ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰੇਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ SIT ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀ ਫੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो इदा कि जिस दिन इंटरिम बेल दी सी जज साहब ने, वह क्योंकि उन्होंने फैसला सुनवाई तो रखा होया, तो उन्होंने लग्या होगा उस दिन कि क्योंकि हले मैं फैसला सुनाना है, इन द मीन टाइम अरैसट करना बनना ही बनना, ये जजों के अपने फैसले होंगे, उन्होंने फैसला ले लिया। अज हम सारी बहस जो की गई सी पिछले वीरवार, वो सारी बहस सुनते हुए जज साहब ने फाइनली अज फैसला करता कि यह बंदा एंटीसपेटरी बेल देने के काबिल नहीं है, और जो असी मंग रहे थे इन्नी देर का कि सानू इहदी कस्टडी दित्ती जाए, असीं इंटरोगेट करना, असीं कई गल्लां नूं पुछनी है, वह सारी गल्लां जज साहब ने मान ली है। बाकी एग्जैक्टली ऑर्डर की जज साहब ने फैसला लिता है, किहड़े ग्राउंड लिती है, वह सब सामने आ गया। देखो इदा जी, पेश तो होना पहला ही चाहिए सी कि जो किसी ने जुर्म किया वो डरता कि वह भज क्यों रहा, पर उन्होंने कोल हले हाईकोर्ट का रुख है, हले वो जाएगा हाईकोर्ट एंटीसपेटरी बेल वास्ते। इन द मीन टाइम SIT अपनी कोशिश करेगी अरेस्ट करने, क्योंकि सानू फाइनली तो कस्टडी ही चाहिए। सर मेन जदों हाईकोर्ट जाते, हाँ जी बिल्कुल जी, इदा ही अपोज करा जी, यही कहेंगे सानू कस्टडी चाहिए, क्योंकि केस नू सॉल्व करने लई इंटरोगेशन करनी बहुत जरूरी है।